दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले जो BSF ट्रेड्समैन में हमारी वैकेंसी आई हुई है वो आपके आ रही है कोबलर, यानी कि BSF ट्रेड्समैन में आपकी वैकेंसी आई हुई है वो कोबलर की वैकेंसी है। तो कोबलर की वैकेंसी में देखेंगे, सारी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कोबलर की योग्यता क्या रखी गई, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा हुआ है, ट्रेड टेस्ट में क्या काम करवाते हैं, कंपटीशन कितना रहने वाला है, एक्सपीरियंस कैसे बनाया जाता है, कौन सी डेट को जारी हुआ होना चाहिए एक्सपीरियंस, ये सारी हम डिटेल में बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात बताता हूँ मैं आपको कोबलर का काम क्या होता है। कोबलर का काम होता है आपका, कोबलर का काम होता है चमड़े का काम करना। चमड़े का जो काम करते हैं उन्हें हम कोबलर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं, जैसे कब चमड़े का काम है क्या आपका, जैसे जूती को टाका लगाना, ठीक है, आपके जो बूट वगैरह होते हैं फौज में, फौज के बूट, उनका टाका लगाने का काम भी तो करते हैं ना, कई जगह से फट जाने पर उनको टाका लगाने का काम करते हैं, ये कोबलर। तो कोबलर की वैकेंसी है, टोटल आपकी 41 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट आपकी, बात 47 पोस्ट आपकी, ठीक है ना, अच्छी खासी पोस्ट आपकी, ठीक है ना। तो आपको बता दूं चमड़े का काम करते हैं ये कोबलर। अब देखो बात करते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या रहता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी योग्यता। देखो आपके पास 10+ ITI होनी चाहिए या तो, ठीक है, या आपके पास होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, या आपके पास इनमें से एक चीज आपके पास होना चाहिए, यानी 10+ 2 साल का एक्सपीरियंस, या आपके पास 10+ ITI होनी चाहिए, 2 साल में से दो में से आपके पास एक चीज होनी चाहिए। अब बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो इसका सिलेक्शन प्रोसेस सेम सिलेक्शन प्रोसेस है जो मैंने पहले वीडियो में बना रखा है, यदि वो नहीं देखे तो वीडियो देख लो, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। इसके अंदर आपकी 24 मिनट की में आपको 5 किलोमीटर की रेस 5 करनी होती है, ठीक है, साथ में आपका 80 से 85 इसका चेस्ट रहता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको 167.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहती है, ये यदि आपका है तो इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले काम यही है। उसके बाद में ट्रेड टेस्ट का काम होता है। देखो ट्रेड टेस्ट में ये भी हम साथ में कर लेते हैं, दो नंबर सवाल भी हम साथ में कर लेते हैं। देखो ट्रेड टेस्ट में काम क्या करवाया जाता है, ट्रेड टेस्ट में आपसे या तो आपको इस चमड़े को, किसी चमड़े को दे देंगे, भाई इस चमड़े को इस आकार में काटो, या फिर आपको कोई टूटा हुआ जूता वगैरह दे देंगे कि भाई इसको सिलो, ऐसे काम करवा सकती है, या आप किसी चमड़े की बैग नहीं दे, फौज में क्या होता है चमड़े की बैग होते हैं उनको दे देते हैं, चलो भाई इसको टाका लगाओ, तो वहां भी काम कर आपको वो भी काम करवाया जा सकता है, या आपको जूते पॉलिश कर सकते हैं, ये आपके काम होते हैं कोबलर के, और ज्यादा काम कठिन काम नहीं होता कोबलर का, ठीक है ना। तो ये आपको काम करने पड़ते हैं कोबलर के। तो भाई एक बात और बता दूं, जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कोबलर का काम गंदा है, भाई कोई गंदा नहीं है, अच्छी नौकरी है, सबसे बेस्ट नौकरी है, सबसे ज्यादा मजे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इसी में मिलती है। इसके बता दो बात, कोबलर के बाद में किसी को रेस्ट मिलती है तो वो आपका है बार्बर। इन दोनों को जितनी रेस्ट मिलती है ना उतनी आपको रेस्ट नहीं मिलती, सबसे ज्यादा काम आपका कुक और आपके वाटर कैरियर को करना पड़ता है। आप सोच रहे हो ना वाटर कैरियर का काम भी कठिन होता है, बिल्कुल ये दोनों का काम बहुत कठिन होता है, ज्यादा बहुत ज्यादा कठिन काम होता है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना, इन दोनों का काम भी खतरनाक होता है, पर बता दूं बार्बर और कोबलर में जितने मजे उतने मजे आप कहीं नहीं है, ठीक है ना, ये बात भी आप ध्यान रखना। कोबलर में इसका सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले आपका पीटी होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट में बता दिया क्या काम करवाया जाता है, उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न टेस्ट में वही आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जीके 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और आपका हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, ठीक है, ये आपका रहता है, ठीक है। और बता दो आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स इसके अंदर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर ना के बराबर, यानी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब बता दूं बात आपको, मैथ रीजनिंग और हिंदी ये जीके कहाँ करने को मिलेंगे, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको कराने वाला हूँ, चारों के चारों सब्जेक्ट में होगा, BSF ट्रेड्समैन से रिलेटेड सारी की सारी आपकी क्लासेस चलने वाली है। वैसे आपके आसाम राइफल की क्लासेस चल रही है वो क्लासेस ले सकते हो, पर आप BSF ट्रेड्समैन की आपकी 15 जनवरी से आपकी स्पेशल क्लासेस चलने वाली है, ठीक है ना, 15 जनवरी से आपकी स्पेशल क्लास चलेगी, मैथ रीजनिंग और जीके एंड हिंदी आपका पूरा का पूरा चारों का चारों क्लासेस चलाने वाला हूँ, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। विथ आपको नोट्स देने वाला, तो विथ नोट्स को यदि आप करना चाहते हो तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। साथ में एक बात और बोलना चाहूंगा, जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
क्योंकि भाई इसके YouTube के ऊपर आपको प्रत्येक ट्रेड का डेली दो ट्रेड की वीडियो मिल रहे हैं, डेली डेली दो ट्रेड की आपको वीडियो मिल रही है, यानी कौन सी ट्रेड कैसे कहाँ से बना रहा है, डेली दो ट्रेड की। वैसे आज आप कॉबलर की बात करेंगे, एक और कारपेंटर की भी बात करेंगे, ठीक है ना, दोनों ट्रेडों की वीडियो आपको आज अपलोड हो जाएंगे। और आपको क्या चाहिए यार, तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लेटेस्ट है बता दिया, कंपटीशन इसमें कितना रहता है, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं रहता। मैं बताता हूँ, जिस बच्चे ने फिजिकल करके ट्रेड टेस्ट पास कर लिया ना, उसकी 99% जॉब वही होगी, वही होगी उसकी 99% जॉब। फोरम में नहीं जाते यार, कॉबलर में बहुत कम फोरम जाते हैं। पिछली बार चार पोस्ट के ऊपर तीन फोरम थे, ओनली फोर, चार पोस्ट के ऊपर तीन फोरम थे और तीनों के तीनों जॉब लगे थी। और सोचो यार, आपकी बराबर ग्रेड पे मिलता वही आपका 21,700, और आपका वही आपका यार 35,000 के लगभग टर्निंग पीरियड में आपको सैलरी मिलती है। इतनी मिलती है कहीं नहीं मिलती, तो ध्यान रखो, ये भी आप ध्यान रखने की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपटीशन कितना रहने वाला, कंपटीशन आपका एकदम जीरो रहने वाला है। एक्सपीरियंस कैसे बनाए, देखो भाई बच्चों, मैं आपको बात बता दू, सीधी सी बात बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस आपके पास कोबलर से एक तो थी आईटीआई, यदि आईटीआई है तो आपको एक्सपीरियंस बनाने की जरूरत है नहीं। अब बता दूं बात को, यदि आपको कोबलर का या तो कोई दुकान शॉप वगैरह तो होती नहीं, जैसे कोबलर के बड़े जगह पर शॉप नहीं, जैसे मेरा जिला है, मेरे जिले में कोई शॉप नहीं है, ऐसे बैठ बैठ के टाके दे देते जगह जगह, तो आपको पता है जिले में कोई शॉप तो होती नहीं, तो हम बनाए कहाँ से। तो आपको बता दूं, आप स्कूल से बना सकते हो, प्राइवेट स्कूल से बना सकते हो, ठीक है, प्राइवेट स्कूल से बना सकते हो। और आप यदि आपके पास आईटीआई है तो आईटीआई आप लगा सकते हो कोबलर से, ठीक है। और यदि आप, यदि ये नहीं है तो कोई, आप ऐसा चेक करो कि आपके जिले में कोई स्कूल है क्या, जिले में कोई दुकान है क्या ऐसी जिनका कोबलर का काम करता हो, और उनके पास आपका ये प्रमाण पत्र हो, यानी रजिस्टर्ड हो, तो इन चीज तीनों से आप बना सकते हो। पहले तो मैं बताता हूँ, वो प्राइवेट स्कूल से ये ज्यादातर आपका रहेगा बेस्ट, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले बना के दे देते हैं, ठीक है। तो कॉबलर का काम ये रहता है, और एक्सपीरियंस ऐसे बना देता है, 2 साल आप उसे बनाना है, 15 जनवरी से पहले का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, 15 जनवरी से पहले का आपके पास एक्सपीरियंस। कौन सा डेट से पहले बता दें, 15 जनवरी से पहले का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्या बताना है, सारी डिटेल में बता चुका हूँ, कोबलर का काम क्या होता है, क्या काम करवाया जाता है, कैसे ट्रेड टेस्ट होता है, सारी डिटेल बता चुका हूँ। और यदि अभी कोई भी जानना चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, आपका भाई आपका कमेंट्स का वीडियो भी अलग से लेकर आता है, कमेंट्स का जवाब भी दे देगा। तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। एक बात लास्ट में बोलना चाहूंगा, जो बच्चा अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं, इंस्टाग्राम को फॉलो करो, इंस्टाग्राम आईडी सुन लो, Ajay0303, इंस्टाग्राम आईडी, इस पर आप जाके फॉलो कर लो, वहां पर मैं आपको फॉलो भेज दे दूंगा, ठीक है ना। प्लीज आप इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करें। साथ में एक बात और बता दूं, हमारा ट्विटर का पेज भी बन चुका है, ट्विटर का पेज को यदि आप फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो ट्विटर को भी आप जरूर फॉलो करेंगे, ट्विटर पर भी आपकी वीडियो वगैरह, वो लिंक वगैरह मैं ट्विटर भी आपको डालूंगा आज के बाद में, ट्विटर पर भी हम डालने वाले, तो ट्विटर को भी आप जरूर फॉलो करें, तो प्लीज आप ट्विटर को भी जरूर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई।